एवरीवन, गुड मॉर्निंग, हर हर महादेव, राधे राधे, जय माता दी। गाइज, आप लोग कैसे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। गाइज, यहाँ मॉर्निंग का वही सोना स्कूल जाने वाली है, तो उसके लिए मैं लंच यहाँ पे तैयार कर रही हूँ, और लंच में यही सूजी का हलवा बना रही हूँ बच्चे लोग को स्कूल जाने के लिए टिफ़िन में। और गाइज, आप लोग कैसे हैं, अच्छे ही होंगे, आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। गाइज, इस तरीके से मैं हलवा बना लेती हूँ, तो छोटी कढ़ाई है, बर्तन धोने में भी आसान रहती है, इसलिए मैंने छोटी कढ़ाई में ही हलवा रेडी कर लिए हैं बच्चे लोग के लिए, और हलवा मेरी अच्छी भी बनी थी। गाइज, बच्चे लोग बहुत अच्छे से मज़े से खाए थे, टिफ़िन को फिनिश किए थे और बोल रहे थे मम्मा बहुत ही टेस्टी बने थे हलवा। हेलो, गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा। अच्छा, ये तो अब तैयार कर दे, रेडी कर दे स्कूल के लिए। ब्रश कर लिए हैं, ठीक देखे, ठीक है, ठीक है। हेलो कर दीजिए एक बार इधर। हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। लाइए ना, हम रख लेते हैं, लाइए। आप प्रणाम कर दीजिए उनको। खुश रहिए, खुश रहिए। पापा नीचे,
आजा सुना। और यहाँ पे गाइस सोना के जाने के बाद में वही मैंने एक कप चाय अपने लिए बनाए थे। बहुत ही ज़्यादा अच्छे से रिलैक्स होकर के मुझे चाय पीना अच्छा लगता है। नहीं तो अगर किसी काम की हड़बड़ी रहती है तो मैं चाय नहीं पीती हूँ, मगर एक कप चाय ही पीना है तो एकदम रिलैक्स वे में मैं चाय पीना पसंद करती हूँ। नहीं तो अदरवाइज अगर फुर्सत नहीं है तो मैं चाय नहीं पीती हूँ। ऐसे मैं बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स मूड में 5-10 मिनट अपने लिए समय निकाल करके ही मैं चाय पीती हूँ, और मुझे इस तरीके से चाय पीना गाइस अच्छा भी लगता है। और यहाँ पे गाइस मार्केट से जो बेल आए हुए थे उसमें से एक बेल ये फोड़ करके चेक करके लिए हुए थे। बेल अच्छे थे, नहीं तो पता ही नहीं चलता है कि अंदर से बेल ख़राब है या अच्छा है। तो ये बेल को इन्होंने फोड़ करके लिए हुए थे, अच्छे थे बेल, सही में अच्छे थे। मैंने भी फोड़े इसको अच्छे से और ये बेल बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, और इसके शरबत भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे बने थे। गर्मी के मौसम में इस तरीके से बेल का शरबत पीना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है गाइस, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद। और यहाँ पे गाइस ये मैंने सब्जी अपने लिए रेडी किए हुए थे, जो मैंने सब्जी बनाए थे आज लंच में, वो सब्जी मेरे आलू परवल के मिक्स सब्जी थे। प्याज वगैरह सभी आलू परवल एक साथ में मिक्स करके इस तरीके से मैं सब्जी बनाई थी, और मेरी सब्जी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बनी थी गाइस। और गाइज मैं आप लोगों से एक बात करना चाहती हूँ गाइज, ये जो होते हैं जिनकी ये चैलेंजेस का ही नाम है, चैलेंजेस जब तक ज़िंदगी में रहते हैं ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा अच्छी इंटरेस्टिंग बनी रहती है। जैसे अगर कभी भी कोई भी चैलेंज आए अगर ज़िंदगी में तो उसे घबराना नहीं चाहिए। जैसे चैलेंज का मतलब, मेरा कहने का ये मतलब है कि ज़िंदगी में हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव ये दोनों थिंकिंग हमेशा ज़िंदगी में चलते रहते हैं, और ये मेरे साथ भी होते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव थिंकिंग हमेशा चलते रहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है पॉजिटिव थिंकिंग के सामने नेगेटिव थिंकिंग मेरी हावी हो जाती है, मगर मैं उसको हावी नहीं होने देती हूँ अपने ऊपर, उसको परास्त करके फिर से मैं अपने आप को पॉजिटिव करके एक नए एनर्जी एक नए ऊर्जा के साथ में खड़ी पाती हूँ, और अपने आप को फिर से मैं ज़िंदगी के साथ में लड़ने के लिए तैयार रहती हूँ। हर एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो सभी लेडीज के साथ में होते हैं, यही सुबह मॉर्निंग में क्या बनाना है, बच्चे को क्या देना है, घर को कैसे साफ़ सफाई करना है, घर में क्या करे नहीं करे, ये सब चैलेंजेस हमेशा साथ में रहते हैं। हर एक दिन हर एक रोज हर लेडीज के साथ भी यही चैलेंज, जब सुबह में उठो तो क्या बनाए, जब दिन का खाना हो जाए तो रात में क्या बनाए, घर की साफ़ सफाई कैसे करें, ये सब सोचते सोचते हमेशा कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव यही थिंकिंग हमेशा दिमाग में चलते रहते हैं। और अपना केयर भी इंसान को करते रहना चाहिए इसी सब सभी लाइफ की बातों के बीच में। और ये मेरी सब्जी रेडी हो गई हुई थी, और गाइस यहाँ पे जो पनीर है, मेरे दूध फट गए हुए थे उसके मैंने जो पनीर रेडी किए हुए थे वही पनीर मैंने इस सब्ज़ी में मिला दिए, और इस
मिलाए तो ये सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा पनीर मिलाने के कारण और भी ज़्यादा टेस्टी बन गए, बहुत ही ज़्यादा अच्छे भी लग रहे थे ये सब्ज़ी। गाइज मेरा कहने का ये मतलब है कि जैसे पॉजिटिव और निगेटिव थिंकिंग हमेशा इसी घर के तालमेल के बीच में चलते रहते हैं। और गाइज यहाँ सोना स्कूल से आने के बाद में फिर से वही उसका जो रूटीन है, शूज वगैरह सॉक्स वगैरह खोल करके हाथ मुंह धो करके ये फिर से अपना डलिया लेकर के छत पर आ गई है फूल तोड़ने के लिए। और इसको फूल तोड़ने में बहुत ही ज़्यादा मन लगता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और एक एक फूल देख करके बहुत खुश भी होती है और बहुत प्यार से तोड़ती भी है। और आज फूल बहुत सारे खिले हैं तो और बहुत ही ज़्यादा ये खुश है। गाइज इस तरीके से ये इसको फूल तोड़ना, भगवान को चढ़ाना बहुत ही ज़्यादा गाइज अच्छा लगता है और बहुत ही प्यार से ये तोड़ती है। इसको हर रोज़ इसी तरीका का नियम है और इस तरीके से ये अपना काम करती है। कभी भी जो होता है कि हाँ इस काम से इसका मन उपजा, नहीं ये मन नहीं इसका उपजता है और ये हमेशा इसी रूटीन के साथ में अपना रूटीन फॉलो करती है। बहुत अच्छा लगता है छोटी बच्ची होकर के भी इस तरीके से अपना जो रूटीन फॉलो करती है, मुझे बहुत ही ज़्यादा ये प्रेरणा देती है। बहुत ही ज़्यादा इसको देख करके मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है गाइज इस तरीके से। गाइज कहते हैं ना कि घर का एक एक कोना पुकारते रहता है, कभी मुझे ठीक कर लो, 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 ये तो हमेशा चलता रहता है। कभी इधर का काम करो तो उधर छूटेगा, कभी उधर का काम करो तो उधर छूटेगा, तो इसी सब के बीच में कभी इधर का तालमेल सही करती हूँ तो कभी उधर का, यही ज़िंदगी का गाइज। इस तरीके से घर के काम के साथ साथ में रिलेशन में भी यही सब होते रहते हैं। जैसे रिलेशन अपने सगा संबंधी जो हैं, कभी उनके साथ में तालमेल ठीक करो तो कभी वो कहेंगे मेरे साथ तालमेल ठीक नहीं है, कभी उनके साथ तालमेल ठीक करो तो कभी वो कहेंगे मेरे साथ तालमेल ठीक नहीं है। गाइज नो, ये सब सोचने की बातें हैं और सोचना इतना गहरे से भी नहीं चाहिए, लाइट में लेते रहना चाहिए, हमेशा भी पॉजिटिव रहना चाहिए। जो आपसे बन पड़े वही करिए और इस पॉजिटिव और निगेटिव थिंकिंग के साथ में अपने लाइफ को आगे बढ़ाते रहिए। और पॉजिटिव और निगेटिव थिंकिंग तो हमेशा चलते रहेंगे, बट अपने ऊपर निगेटिव थिंकिंग को हावी नहीं होने देना है। और गाइज इसी तरीके से अपने पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में अपने दिनचर्या को गुजारते रहना चाहिए, इसी बागवानी के फूलों की तरीके से अपना हमेशा बेस्ट देना चाहिए इंसान को, हमेशा अपना खुशबू से बेस्ट। जैसे अपने काम के प्रति वफादारी करके आप अपने खुशबू से अपने काम से बेस्ट देते रहिए परिवार में। अगर आप परिवार बनाए हुए हैं, आप अकेला रहते हैं तो भी और परिवार के साथ में रहते हैं तो भी आप अपने दिनचर्या में बेस्ट रहिए। और यहाँ पे गाइज इसको देखिए जैकी को, ये भी बहुत खुश है और यहाँ पे ये भी उछल कूद किए हुए हैं और ये भी बहुत ही ज़्यादा खुश है। इसको बहुत ही उछल कूद करने में बहुत ही ज़्यादा मस्ती आती है, बहुत ही ज़्यादा इस तरीके से सोना के साथ में इसको भी खेलने में बहुत मज़ा आता है। और गाइज यहाँ पे देखिए ये जो कर रहे थे ना कि ज़िंदगी के तालमेल को हमेशा ऊपर नीचे करते करते जो इंसान अपना दिनचर्या बिताते रहते हैं, कभी ये ठीक करो कभी वो ठीक करो, कभी किचन का ये कोना कभी घर का वो कोना, और उसी में ये देखिए मेरी सब्ज़ी रेडी है। और ये मेरे जब खाने बन चुके हुए थे तो मैंने किचन को जो अच्छे से साफ़ किए हुए थे, काउंटर टॉप सब क्लीन करके किचन को
एकदम से नीट एंड क्लीन कर लिए हुए थे, वही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और इस तरीके से मैंने घर का एक एक कोना साफ सफाई कर लिए हुए थे। और गाइस इसी तरीके से कभी घर का ये कोना, कभी घर का वो कोना, सब पुकारते रहते हैं, मुझे ठीक करो तो मुझे ठीक करो, मुझे ठीक करो तो मुझे ठीक करो। इसी तरीके से गाइस मेरा ये कहने का मतलब, घर का ये कोना कोना क्या, हर जिंदगी में हर कुछ पुकारते रहता है। रिलेशन का ये कोना, कभी रिलेशन का वो कोना, कभी घर का ये कोना, कभी घर का वो कोना। और इसी तरीके से भाग दौड़ करते हुए चलती रहती है जिंदगी की गाड़ी, चलते चलते जिंदगी कटती रहती है। मुझे अच्छा लगता है, मुझे पसंद है गाइस। और यहाँ पे गाइस सोना अपना रेडी हो करके फिर से आ गए अपना पूजा करने के लिए, फूल चढ़ाने के लिए। ये अपना का देखिए, एक एक फूल अच्छे तरीके से सभी देवी देवताओं को अपना अच्छे से अर्पित करेगी, चढ़ाएगी। अच्छा लगता है इसको, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है गाइस। पूजा पाठ से दिन में सुकून शांति मुझे तो मिलती ही है। बड़े लोग भी बोलते हैं कि पूजा पाठ से सुकून और शांति मिलती है, मगर एक बच्चे को देख करके भी ये प्रेरणा जरूर मिलती है कि उसके भी मन में कुछ तो सुकून और शांति मिलती होगी, तभी तो ये हमेशा इसी तरीके से करने के लिए बेचैन रहती है। भगवान इसी तरीके से सभी को मन में सुख और शांति दे, भगवान से मेरी यही कामना है गाइस।
हे गाइस, यहाँ पर देखिए पूजा करने के बाद में, सभी देवी देवताओं को पूजा करने के बाद में मैं आप लोगों से मिल रही हूँ। आप लोग कैसे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोग भी यहाँ पर सभी देवी देवताओं से प्रणाम करके आशीर्वाद ले लीजिए। गाइस, आप लोग हमेशा खुश रहें, आनंद में रहें, स्वस्थ रहें, मेरी माता रानी से, भोले बाबा से यही कामना है। और गाइस, एवन सोना के परिवार पर माता रानी, भोले बाबा अपना आशीर्वाद बनाए रखें, हम सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। लाइक जरूर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा, कमेंट को जरूर करिएगा। एक बार आशीर्वाद दे दीजिए। वेलकम दे रहे हैं। गाइज, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी है? वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, लाइक जरूर कर लीजिएगा, कमेंट शेयर करना भी नहीं भूलिएगा। सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं अभी तक तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। गाइज, इस ब्लॉग में तब तक के लिए इतना ही, फिर से मैं आप लोगों से अगले ब्लॉग में मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइज, हर हर महादेव, राधे राधे, जय माता दी। गाइज, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। टेक केयर गाइज, बाय बाय।